जय माता की। सारांश में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज है सातवां नवरात्र, मां कालरात्रि का दिन। नवरात्रि में सातवें दिन होती है मां कालरात्रि की पूजा। इस दिन रात्रि पूजन का विधान है। रात्रि पूजन से भक्तों को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि अपनी तीसरी आंख खोलती है। इसीलिए इस दिन तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या के द्वारा माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। यह सदैव शुभ फल देने वाली है, इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। भक्तों, देवी दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि की उत्पत्ति असुरों के राजा रक्त बीज का नाश करने के लिए की थी। इनकी पूजा करने से शुभ और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि के चार हाथ हैं। इनका शरीर रात्रि कालीन अंधकार की तरह काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की माला है। इनके एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में लोहे का कांटा है। इसके अलावा मां कालरात्रि के दोनों हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। देवी कालरात्रि के तीन नेत्र हैं और इनके श्वास से हमेशा अग्नि निकलती है। कालरात्रि का वाहन गधा है। कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन श्रद्धा पूर्वक मां की पूजा करने पर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।